तो फ्रेंड्स आज मेरे पास है ये Xiaomi का CCTV कैमरा, मी होम सिक्योरिटी कैमरा। ये 360 डिग्री कवर करता है। आज की इस वीडियो में हम इसी का अनबॉक्सिंग और डिटेल्ड सेटअप आपको दिखाएंगे, किस तरीके से आपको इसको अपने घर में सेटअप करना है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए काफ़ी यूजफुल गैजेट है। वीडियो में स्टार्ट करें उससे पहले हम थैंक्स करना चाहेंगे पवन का। पवन मेरा एक फ्रेंड है जो कि जमशेदपुर में कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाता है और वहीं पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए वो इस कैमरे को परचेज़ किया है अमेज़ॉन से, जहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। उसका लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और अगर आप भी जमशेदपुर से हैं, चैनल से रिलेटेड कोई भी आपके पास गैजेट है, लाइक स्मार्टफोन हो गया, लैपटॉप हो गया, या कुछ इस तरीके का स्मार्ट गैजेट्स हो गया, आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं अनबॉक्सिंग या उससे रिलेटेड वीडियोज़ के लिए, तो आप कर सकते हैं। हम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल रहेंगे। आपको एक शाउटआउट मिल जाएगा और व्यूवर्स को एक कंटेंट मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और बहुत दिनों के बाद हमको इंट्रो बोलने का मौका मिला है, तो उसको नहीं मिस कर सकते। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पुष्कर और आप देख रहे हैं टेक्स क्रू। लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, ये रहा मी होम सिक्योरिटी कैमरा का बॉक्स। 1080p में ये वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। AI मोशन डिटेक्शन अलर्ट के साथ आता है। हाई डेफिनेशन वीडियो रिकॉर्ड करता है। इंफ्रारेड नाइट विजन है, मतलब कि अगर रूम में कम्प्लीटली डार्क है तो भी ये वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। और क्वालिटी कैसा होगा वो आपको आगे आने वाले वीडियो पार्ट में दिख जाएगा। टॉकबैक फीचर आपको देखने के लिए मिलता है, उसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। Amazon Alexa के साथ भी ये वर्क करता है और Google Assistant के साथ भी वर्क करता है। बॉक्स के बैक साइड में देखें तो प्रोडक्ट नेम जो है यहाँ पे CCTV कैमरा जो है क्लियरली मेंशन किया गया है। बॉक्स कंटेंट के बारे में बताया गया है। 2899 रुपये इसका प्राइसिंग है। Amazon पे ही आपको अराउंड 2800 मिल जाएगा। इसका बेस्ट बाय लिंक अगेन हम आपको बताना चाहेंगे वीडियो डिस्क्रिप्शन में। अगर आप वहाँ से परचेज करते हैं तो चैनल का इनडायरेक्टली थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। तो फटाफट से इसका बॉक्स कंटेंट का अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एक वॉल माउंट किट मिल जाता है, जिसकी मदद से आप इसको रूफटॉप पे या फिर वॉल पे माउंट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक 10 वॉट का ट्रैवल अडाप्टर मिल जाता है और एक काफ़ी लंबा सा यहाँ पे USB टाइप A2 माइक्रो USB टाइप केबल मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको यूज़र मैनुअल मिलता है। अगर आप फर्स्ट टाइम किसी सिक्योरिटी कैमरा को सेटअप करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली ये जो यूज़र मैनुअल है आपके लिए यूज़फुल होगा। बट अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक मी का CCTV कैमरा, होम सिक्योरिटी कैमरा मिल जाता है जो कि 360 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। अब यहाँ पे ये जो केबल है ये काफ़ी लंबा केबल है और इसमें कोई बिल्ट इन बैटरी नहीं है, तो आपको हमेशा जो है इसको पावर से कनेक्ट करके रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं कैमरा के फिजिकल ओवरव्यू का, तो यहाँ पे जो आपको कैमरा मिलता है इसके ऊपर साइड में एक LED इंडिकेटर है, आई होप आपको क्लियरली दिख पा रहा होगा। और जो नीचे वाला होल है ये माइक के लिए होल दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे एक आपको जो है कार्ड के लिए पोर्ट मिलता है और इसमें आप 64GB तक का माइक्रो SD कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो कंप्लीट हेड है ये रोटेट होता है और ये जो कैमरा का जो ब्लैक पोर्शन है ये भी आपको 90° रोटेशन देखने के लिए इसमें भी मिल जाता है। बैक साइड में यहाँ पे स्पीकर ग्रिल है, तो स्पीकर और माइक के मदद से जो है आप टॉकबैक फीचर को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे में आपको यहाँ पे एक रीसेट बटन देखने के लिए मिलता है और यहाँ पे एक माइक्रो USB टाइप चार्जिंग पोर्ट देखने के लिए मिलता है। अगर आपको इसको डेस्क पे यूज़ करना है तो सिंपली आप इसको ऐसे डेस्क पे रख के यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वॉल पे माउंट करना है तो इस वॉल माउंट किट के मदद से आप इसको जो है वॉल पे भी माउंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम सेटअप प्रोसेस शुरू करते हैं। सेटअप प्रोसेस शुरू करने से पहले आप अपने जिस फ़ोन के साथ इस कैमरा को यूज़ करना चाहते हैं उस फ़ोन में आपको ये Xiaomi होम ऐप जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। ये एंड्रॉयड और iOS दोनों ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे आपको ये मिल जाएगा, और नहीं मिलता है तो यहाँ पे इसके यूज़र गाइड में जो है ना एक QR कोड दिया है, इसको स्कैन करेंगे अपने फ़ोन के कैमरा से और आप इस ऐप को जो है अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसके अलावा जो रिकॉर्डिंग है अगर वो आप स्टोर करना चाहते हैं तो आपको एक SD कार्ड इसमें इंसर्ट करना पड़ेगा। इसमें मैक्सिमम 64GB तक का आप SD कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास ये 16GB का SD कार्ड है, तो हम इसी को यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। आप भी इंसर्ट कर दीजिएगा। और जब भी आप SD कार्ड इंसर्ट कर रहे हो या फिर SD कार्ड निकाल रहे हो, आपको अपने कैमरा को पावर सोर्स से कनेक्टेड नहीं रखना है। अब हम अपने कैमरा को जो है पावर सोर्स से कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑरेंज लाइट देखने के लिए मिल जाएगा और कुछ वॉइस कमांड्स भी आपको जो है सुनाई देगा। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली जो है रोटेट करेगा और कुछ वॉइस कमांड जो है आपको सुनाई देगा, लाइक स्कैन QR कोड्स का और रेडी टू पेयर का। और यहाँ पे कंटिन्यूसली जो है आपको ऑरेंज लाइट ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे जो रीसेट बटन मिलता है इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखना होगा। इसके बाद हम यहाँ पे मी होम ऐप को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको अग्री करना होगा, फिर से अग्री करना होगा। उसके बाद आपको अपना रीजन जो है या कंट्री जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। सेव कर देते हैं हम इंडिया पे।
और यहाँ पे मी होम 6.0 का ब्रांड न्यू लुक है, तो हम इसको ट्राई नाउ करते हैं। और यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ जाएगा लाइक लोकेशन का, आपको यहाँ पे परमिशन देना होगा, तो लोकेशन पे हम टैप करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट करते हैं और अलाउ ओनली वाइल यूजिंग द ऐप का हम परमिशन दे देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे साइन इन पे टैप करना है, आपके पास जो भी मी अकाउंट होगा ना उससे आपको साइन इन कर लेना है, तो हम यहाँ पे साइन इन कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइन इन करने के बाद कुछ ऐसा आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे प्लस का आइकन है, सिंपली हम यहाँ पे प्लस के आइकन पे टैप करते हैं और उसके बाद अलाउ वाईफाई एक्सेस टू फाइंड डिवाइसेस का ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पे हम वाईफाई एक्सेस जो है वो दे देते हैं और उसके बाद हम बैक जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मी होम सिक्योरिटी कैमरा जो है यहाँ पे क्लियरली शो कर रहा है, तो इसके ऊपर अगर हम टैप करते हैं तो यहाँ पे जो वाईफाई आपको कैमरा के साथ कनेक्ट करना है ना, उसी वाईफाई से आपको अपने फ़ोन को फ़िलहाल कनेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो जियो फाई है उसी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये फ़िलहाल मेरे रूम में रहता है तो हम उसी के साथ इसको सेटअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपना जियो फाई जो है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पे टैप करते हैं। नेक्स्ट पे टैप करने के बाद एक QR कोड आ जाएगा और इस QR कोड को जो है आपको अपने कैमरा के सामने लेके जाना है। सो कनेक्ट होने के बाद आपको कुछ इस टाइप का जो है ना इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे हम अपना स्टडी रूम जो है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पे टैप करते हैं, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे टैप करते हैं और उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पे हम यहाँ पे टैप कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो है कैमरा जो भी रिकॉर्ड कर रहा है वो क्लियरली यहाँ पे दिख पा रहा है और अगर आप चाहें तो यहाँ से आप कैमरा को रोटेट करवा सकते हैं, आई होप आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा। इसके अलावा आप यहाँ पे अगर कैमरा को 360 डिग्री रोटेट करवाना चाहते हैं तो इसको आपको यहाँ पे जो नेविगेशन पैनल मिलता है ना, नेविगेशन जॉयस्टिक मिलता है, इसकी मदद से आप अपने कैमरा को रोटेट भी करवा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे टॉकबैक का फीचर यूज़ करना चाहें तो यहाँ पे आपको एक माइक का सिंबल देखने के लिए मिल रहा है, इसके ऊपर अगर हम टैप करते हैं तो यहाँ पे आपको रिकॉर्ड ऑडियो का परमिशन देना होगा। अलाउ करने के बाद अब जो है अगर हम माइक को इनेबल करते हैं, सो आप यहाँ पे आप यहाँ सुन पा रहे होंगे कि जो भी हम माइक से बोल रहे हैं वो कैमरा में भी स्पीकर से आवाज़ आ रहा है। इस माइक सिंबल को इनेबल करने के बाद जो कैमरा पे पर्सन होगा, यहाँ पे आपको फ्रंट साइड में माइक भी है, तो जो कैमरा पे पर्सन होगा वो डायरेक्टली आपसे बात भी कर सकता है और आपके आवाज़ को भी सुन सकता है। इसके अलावा अगर आप कैमरा से फ़ोटो कैप्चर करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे हम टैप करते हैं तो ये जो अलाउ परमिशन करना पड़ेगा मीडिया फाइल्स का और यहाँ पे एक पिक्चर जो है क्लिक हो जाएगा, जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं उस तरीके से। इसके अलावा अगर आपका इसका वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप टैप करके जो है वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं, यहाँ पे आपको वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो दिख रहा होगा। और अभी हम आपको जो है ना कैमरा पे इसका सैंपल दिखा रहे हैं और ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये इसी मी होम सिक्योरिटी कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है, आइडिया है वो लग जाएगा यहाँ पे। आई होप कि यहाँ पे जो साउंड भी है वो भी रिकॉर्ड हो रहा होगा जो भी। इसके अलावा अगर आप इस स्क्रीन को फुल स्क्रीन में देखना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे टैप करेंगे और यहाँ पे अगर आप इस पे टैप करते हैं तो ये फुल स्क्रीन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फुल स्क्रीन पे अगर आप टैप करते हैं तो यहाँ पे आपको जॉयस्टिक मिल जाएगा जिसकी मदद से आप कैमरा को रोटेट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको कंप्लीट मेरे रूम का एक टूर भी मिल जाएगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि कंप्लीट 360 डिग्री जो है वो कवर कर लेता है काफ़ी अच्छे तरीके से और यहाँ पे आप इसको रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑटो का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे जो है क्वालिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अब जैसा इंटरनेट कनेक्शन रहेगा वैसा ही आपको क्वालिटी जो है आपके स्क्रीन पे ये देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 3 डॉट्स देखने के लिए मिल जाता है, इस 3 डॉट्स पे अगर आप टैप करते हैं तो यहाँ पे आपको कंप्लीट जो है ना कैमरा का सेटिंग देखने के लिए मिल जाता है। कैमरा सेटिंग पे अगर टैप करते हैं तो अगर आपका कैमरा जो है रात में ऑन है, मतलब कि नाइट में अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर ये LED इंडिकेटर ग्लो करता रहेगा तो किसी को भी पता चल जाएगा कि कैमरा जो है वो ऑन है, तो उस कंडीशन में आप इंडिकेटर लाइट को जो है यहाँ पे ऑफ रख सकते हैं। कैमरा अभी भी ऑन रहेगा, वीडियो रिकॉर्डिंग अभी भी चालू रहेगा, बट यहाँ पे जो LED नोटिफिकेशन लाइट है ना वो नहीं ग्लो करता रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको और भी बहुत सारा सेटिंग मिल जाता है, जैसे नाइट विजन का आपको यहाँ पे सेटिंग मिलता है, आप इसको स्विच ऑटोमेटिकली पे रख सकते हैं या फिर ऑलवेज ऑन या फिर ऑलवेज ऑफ रख सकते हैं। अगर आप ऑलवेज ऑन रखते हैं तो डे लाइट कंडीशन में भी आपको नाइट विजन ही देखने के लिए मिलेगा और हम आपको आगे दिखाने वाले हैं कि नाइट विजन में ये कैसा रिकॉर्ड करता है। या फिर आप स्विच ऑटोमेटिकली पे रखते हैं तो जैसे ही रूम में डार्क होता है ऑटोमेटिकली जो कैमरा है वो नाइट विजन पे शिफ्ट कर जाता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो आप कैमरा सैंपल देख रहे हैं ना ये इसी मी होम सिक्योरिटी कैमरा के नाइट विजन में रिकॉर्ड हो रहा है, रूम में कंप्लीटली डार्क है और ये किस तरीके का रिकॉर्ड कर सकता है आप डिस्प्ले पे अभी देख पा रहे होंगे। यहाँ पे अगर आप मैनेज स्टोरेज में जाते हैं, स्टेटस में जाते हैं, तो यहाँ पे आपका जो SD कार्ड है उसमें कितना GB मतलब कितना स्पेस अवेलेबल है वो यहाँ पे शो कर रहा है।
आप स्टोरेज को ऑन या ऑफ रख सकते हैं। अगर स्टोरेज ऑफ रहेगा तो ये रियल टाइम में रिकॉर्ड करेगा, आप रियल टाइम में अपने फोन पे उसको देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको ऑलवेज रिकॉर्ड का फंक्शन मिल जाता है कि ऑलवेज रिकॉर्ड करना है या फिर ओनली रिकॉर्ड व्हेन मोशन डिटेक्टेड, मतलब कि जब मोशन ये डिटेक्ट करता है, बिकॉज ये जो है मोशन डिटेक्शन के साथ आता है और जब ये मोशन डिटेक्ट करेगा तभी ये रिकॉर्ड करे, ऐसा अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऑलवेज रिकॉर्ड जो है उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम जाते हैं होम सर्वेलियंस सेटिंग में, तो यहाँ पे होम सर्वेलियंस अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है डिटेक्शन के बाद पुश नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन मिलता है, इसको आपको इनेबल कर देना है। जब भी आपका कैमरा कोई मोशन डिटेक्ट करता है तो आपको एक नोटिफिकेशन जो है आपके फ़ोन पे आ जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो नेविगेशन बटन है, अगर आप इसके ऊपर स्वाइप अप करेंगे ना तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है। पहला तो है सर्वेलियंस का, इसमें आपको बताता है कि किस किस मोमेंट पे जो है पर्सन को ये डिटेक्ट किया है। यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा कि 3:28 पे ये पर्सन डिटेक्ट किया है, तो यहाँ पे ये जो टाइम है ये शो कर रहा है। इसके अलावा जो भी आपका कैमरा रिकॉर्ड करता है वो आप प्लेबैक में अगर टैप करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है ना क्लियरली दिख जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप ऑल प्लेबैक वीडियोस पे टैप करते हैं ना तो हर एक दिन का यहाँ पे आपको जो है प्लेबैक देखने के लिए मिल जाएगा, हर एक घंटे का। अब जैसे कि अगर हम आज का देखना चाहें तो यहाँ पे अगर हम आज 3:00 टैप करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आज का रिकॉर्डिंग वीडियो है। हर एक मिनट का जो है यहाँ पे आपको अलग अलग प्लेबैक देखने के लिए मिलता है, आप किसी पे भी टैप करके जो है उसको अपना पुराना जो स्टोर्ड वीडियो रिकॉर्डिंग है वो देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा एक और चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि जब भी आपका ये मी होम कैमरा नाइट विजन में रिकॉर्ड कर रहा होता है तो आपको यहाँ साइड में IR सेंसर्स जो है वो देखने के लिए मिल रहा है, बट ये सिर्फ कैमरा पे ही रिकॉर्ड होता है, ह्यूमन आई से आप इसको नहीं देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में देखें किस तरीके से आप मी होम कैमरा जो कि एक CCTV कैमरा है Xiaomi का, उसको आप अपने फ़ोन के साथ कैसे आप अपने घर में या ऑफिस में सेटअप कर सकते हैं सिक्योरिटी और सर्वेलियंस पर्पस के लिए। आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन हो, iOS फ़ोन हो, सिमिलर तरीका है अपने फ़ोन के साथ इस कैमरा को सेटअप करने का। इसके अलावा Realme का भी एक कैमरा आता है, अगर आप उसका भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो कर दीजिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक लिमिट में कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।